टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर तो आज हम बात करने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं तो फर्स्ट है वॉट इज वाटर फायर एक्सटिंग्विशर तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर एक बहुत ही कॉमन फायर एक्सटिंगविशर होता है और ये क्लास ए फायर के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है इसे कम्बस्टेबल मटेरियल में लगी आग जैसे वुड पेपर प्लास्टिक रबर टेक्सटाइल इनमें लगी आग को क्विकली एंड इफ़ेक्टिवली एक्सटिंग्विश करने के लिए इसका यूज़ करते हैं और जब आप इनका यूज़ फायर पर करते हैं तो ये बर्निंग मटेरियल को कूल cool करता है और टेम्परेचर को इग्निशन पॉइंट से नीचे कर देता है उसे रिड्यूस कर देता है और फायर को क्विकली एक्सटिंग्विश कर देता है और वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हमें इन टाइप की फायर पर बिल्कुल भी नहीं करना है जैसे किचन फायर इलेक्ट्रिकल फायर फ्लेमेबल लिक्विड और फ्लेमेबल गैसियस फायर पर और अगर आप वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ गलती से भी इलेक्ट्रिकल फायर पर करेंगे तो इससे आपको शॉक लगने का बहुत रिस्क होता है सेकंड है व्हाट इज़ ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर तो ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर एक वर्सा टाइल होता है जिसका यूज़ हम वेरियस टाइप की फायर पर कर सकते हैं और इन्हें हम ए बी सी फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ए फायर को टैकल कर सकता है जैसे कम्बस्टेबल मटेरियल लाइक वुड पेपर प्लास्टिक एट्सेट्रा और क्लास बी फायर को भी ये एक्सटिंग्विश कर सकता है जैसे फ्लेमेबल लिक्विड लाइक पेट्रोल डीजल पेंट एट्सेट्रा और इसके साथ ही साथ ये क्लास सी फायर को भी एक्सटिंग्विश कर सकता है जैसे फ्लेमेबल गैसेस लाइक सी एन जी ब्यूटेन एटसेट्रा और ये फायर एक्सटिंग्विशर कुछ इस तरह से वर्क करता है तो जब आप फायर पर इसको स्प्रे करते हैं तो ये फ्यूल पर कोटिंग करता है एक डस्ट की एक पाउडर की लेयर बना लेता है जिसकी वजह से फायर से ऑक्सीजन कट हो जाता है और जिसकी वजह से फायर का केमिकल चेन रिएक्शन ब्रेक हो जाता है और फायर ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो जाती है और इसके अलावा ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम इलेक्ट्रिकल फायर पर भी कर सकते हैं बट इसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इक्विपमेंट के बंद स्पेस में पाउडर ईजिली जा सकता है जिसकी बात सफ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है और साथ ही एक स्पेशलाइज ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग भी आता है जिसका यूज हम फ्लेमेबल मेटल लाइक मैग्नीशियम या टाइटेनियम में लगी आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए कर सकते हैं थर्ड है वॉट इज वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। तो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसे टाइप का एक्सटिंगशर होता है जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया है इन फायरस के लिए जिसमें कुकिंग ऑयल एंड फैट इन्वॉल्व हो यानी क्लास एफ और के फायर के लिए तो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ही इसेंशियल होता है कॉमर्शियल किचन और उन प्लेसेस के लिए जहां पर लार्ज वॉल्यूम में कुकिंग ऑयल का यूज़ किया जाता है और इन फायर एक्सटिंग्विशर की बॉडी पर येलो लेबल लगा होता है जिसकी मदद से आप इसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है केटरिंग एंड फूड प्रिपरेशन इंडस्ट्रीज़ के फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए फोर्थ है व्हाट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर के लिए काफ़ी आइडियल होता है सूटेबल होता है क्योंकि इनका यूज़ जब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर लगी आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए करते हैं तो ये कोई भी पार्टिकल या एक्सटिंग्विशिंग एजेंट इक्विपमेंट में नहीं छोड़ते हैं जिसकी वजह से इक्विपमेंट ख़राब हो सके और सी ओ टू एक्सटिंग्विशर को जब आप फायर पर स्प्रे करते हैं तो वो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस करता है जिसकी वजह से फायर सफ़ोकेट होती है और एक्सटिंग्विश हो जाती है और साथ ही इनका यूज़ हम क्लास बी, यानी फ्लेमेबल लिक्विड फायर पर भी कर सकते हैं लेकिन जब आप सी ओ टू का यूज़ किचन फायर या कम्बस्टेबल फायर पर करेंगे तो ये उस पर इफेक्टिव नहीं होता है और साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि सी ओ टू एक्सटिंग्विशर को अगर आप अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो सी ओ टू के एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से आपको फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है तो फिफ्थ है वॉट इज़ फोम फायर एक्सटिंग्विशर तो फोम फायर एक्सटिंगविशर को प्राइमरली डिज़ाइन किया जाता है क्लास बी फायर के लिए यानी फ्लेमेबल लिक्विड जैसे डीजल पेट्रोल पेंट कैरोसिन एटसेट्रा में लगी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए और साथ ही फोम फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ए फायर पर भी काफ़ी इफेक्टिव होता है यानी कम्बस्टेबल मटेरियल लाइक वुड पेपर प्लास्टिक रबर एटसेट्रा में लगी फायर को एक्सटिंगश कर देता है और जब आप इनका यूज़ फायर पर करते हैं तो ये बर्निंग सरफेस पर एक फोम की एक ब्लैंकेट बना लेता है जिससे ऑक्सीजन कट हो जाता है और बर्निंग मटेरियल कूल हो जाता है और फोम फायर एक्शनिंग का यूज़ हमें इन फायर पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जैसे किचन फायर फ्लेमेबल मेटल फायर और इलेक्ट्रिकल फायर पर आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर